छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में बाहुबली के सूरज के नेतृत्व में आज हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी को समर्थकों द्वारा चांदी के मुकुट भेंट कर पहनाई गई। इस नई पार्टी की प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता व दमखम को देखते हुए उनके करीबी व समर्थकों द्वारा सर्वप्रथम भनपुरी चौक से जोगी बंगले तक विशाल रैली निकाली गई, जिसके उपरांत बाहुबली के नाम से युवा दिलों के धड़कन के सूरज ने पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी को चांदी का मुकुट भेंट कर पहनाया। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में लगभग 500 लोगों को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे मजदूर यूनियन में शामिल कराया। पार्टी समर्थक और बाहुबली युवा नेता के सूरज को इस दौरान अजीत जोगी ने पार्टी की बड़ी कमान भी सौंपी। के सूरज को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे मजदूर का युवा प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये प्रसन्नता और खुशी की बात है कि एक बहुत शक्तिशाली मजदूर यूनियन लीडर और उनके यूनियन के सैकड़ों लोग आज हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। श्री सूरज मजदूरों के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। मजदूरों का उन्होंने संगठन बनाया है और हजारों मजदूर उनके साथ हैं। ये सब मिलकर हमारी पार्टी में जुड़कर मजदूरों की भलाई के लिए, मजदूरों के साथ अन्याय को रोकने के लिए संघर्ष करेंगे, ऐसा हमको पूरी आशा है और इससे हमारी पार्टी और भी मजबूत होगी। मैं सूरज और उनके सभी मजदूर साथियों का अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। सरावगी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी का जो मजदूर विंग है वो निरंतर मजबूत होता जा रहा है और मजबूत होगा। आज हम लोग 500-550 लोगों को लेके जनता कांग्रेस में इन लोगों का प्रवेश भी कराया गया है। सभी कार्यकर्ताओं लोगों का बहुत सारे विधानसभाओं से आए हैं और आने वाले समय में ये साल भर का चुनाव का माहौल है। ये साल भर के अंदर हम लोग एक प्रेरणा भी ले रहे हैं और एक संकल्प ले रहे हैं आज यहाँ बैठ के कि हम लोग 2.5 लाख सदस्य को इस पूरे प्रदेश में मजदूर संगठन में जोड़ेंगे। और जोगी जी को चांदी का मुकुट पहनाकर हमने अभिवादन किया है जोगी जी का, और राज तिलक की तैयारी आज हम लोग कर चुके हैं। यहाँ आने वाली सरकार हमारी प्रदेश में बन रही है और निश्चित है। आप जगह जगह देख सकते हैं, जहाँ भी अजीत जोगी जी का द्वारा होता है वहाँ खुद ब खुद भीड़ जो है अपने आप समेट के आते जा रही है और निश्चित रूप पर हमारी सरकार बनेगी।